हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पैन लिया है और उसमें ऐड किया है 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल। आप यहाँ पर बटर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून बारीक कटा गार्लिक ऐड किया है और यहाँ पर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा प्याज, जिसको मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया था। वेजिटेबल्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर 1/4 कप कटा हुआ मशरूम ऐड कर रही हूँ और इस टाइम आपको गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है चॉप्ड कैरेट एंड कैप्सिकम। आप यहाँ पर कॉर्न भी ऐड कर सकते हो। हम यहाँ पर सब वेजीज को सौते करेंगे। हमें इनको ओवर कुक नहीं करना है, बस केवल इतना पकाना है कि जिससे इसमें एक क्रंच बना रहे। अब मैं यहाँ पर सीजनिंग ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने ऐड किया है ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो। आप यहाँ पर मिक्स हर्ब भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर वेजिटेबल्स अच्छे से सौते हो चुकी हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। सेम पैन में मैंने 2 टेबलस्पून लिया है बटर। यहाँ पर हम व्हाइट सॉस की तैयारी कर रहे हैं। आपको बटर और मैदा इक्वल क्वांटिटी में ही लेना है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है और इतना ही मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। और हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम लो रखना है और इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनना है। और यहाँ पर व्हाइट सॉस जल्दी से बन भी जाती है और इसको बनने में लगभग 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है। बस आपको फ्लेम लो रखना है और इसको लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। यहाँ पर देखिए मैदे का कलर एकदम चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1/4 कप दूध, जिसको मैंने रूम टेम्परेचर पर ले लिया था। और यहाँ पर हमें पैन में दूध थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 1/4 कप दूध और ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और आप चाहो तो मिक्स करते टाइम गैस का फ्लेम ऑफ भी कर सकते हो, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब आप दोबारा से गैस का फ्लेम ऑन कर दीजिए। बट आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर लो ही रखना है। अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप मिल्क और ऐड करा है और इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए कितना स्मूथ और क्रीमी टेक्स्चर आया है। अब हम इसे कुछ सेकेंड के लिए इसी तरह से चला लेंगे लो फ्लेम पर। यहाँ पर हमें व्हाइट सॉस का टेक्सचर सेमी थिक रखना है, ना बहुत ज़्यादा थिन और ना बहुत ज़्यादा थिक। जैसे हम यहाँ पर स्पून से चला रहे हैं तो देखिए पीछे से स्पून इस तरह से सॉस से कोट हो जाए, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। व्हाइट सॉस यहाँ पर बनकर तैयार है। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी सौते वेजिटेबल्स। और यहाँ पर मैंने 1 कप बॉयल पास्ता ऐड किया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमें यहाँ पर लो ही रखना है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध और ऐड किया है। दूध आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, आपको जैसा सॉस का टेक्सचर चाहिए। अब मैं यहाँ पर सीजनिंग ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है और ऐड किया है ऑरिगेनो। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। नमक हमने वेजिटेबल सौते करते टाइम भी ऐड किया था, तो आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर ऐड किया है। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी मोज़रेला चीज़ और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमें फ्लेम लो ही रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर व्हाइट सॉस पास्ता बनकर एकदम तैयार है। पास्ता बॉयल करने का सही तरीका क्या है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।
हैं।